अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। पिछले पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था वो अबाउट दी मसल अटैचमेंट ऑफ इलियम कवर किया था, और इस पार्ट में हम लोग करेंगे जो हमारी प्यूबिस बोन है उसके मसल अटैचमेंट मेनली। तो हम लोग इसको भी बाय इसके जो लैंडमार्क्स थे प्यूबिस के उसके मतलब सराउंडिंग से करेंगे या उसके लिहाज से करेंगे तो हमारे पास ईजी वे हो जाएगा प्यूबिस के मसल्स को याद करने का। तो हम लोग जो इसके लैंडमार्क्स है प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, एंटीरियर सरफेस, उस वाइज याद करेंगे तो ज़्यादा इजी रह जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए भी मैंने एक चार्ट बनाया है, तो उससे हम लोग इंशाल्लाह कवर करते हैं। और जो एज यूजुअल पिक्चर देखेंगे वो हम लोग देखेंगे फ्रॉम दी जो फिगर देखेंगे फ्रॉम दी बीडी देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे पास पिछले पार्ट में कि एटलस के कुछ मसल्स हमारे पास यहाँ पर शो नहीं किए हुए। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग आते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्यूबिस बोन देख लेते हैं। हम लोग प्यूबिस बोन जो थी वो हमारे पास कौन सी बोन थी, हमारे पास वो थी एंटीरियर इन्फीरियर बोन थी। ये एंटीरियर बॉर्डर था और ये इन्फीरियरली थी, तो इसीलिए एंटीरियर साइड था और ये इन्फीरियर बोन थी, इसीलिए एंटीरियर इन्फीरियर बोन हम लोग इसको कह देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो चार्ट बनाया है उसके वाइज के मसल्स करते जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर जो मसल है वो कौन सा मसल है, वो है प्यूबिक ट्यूबरकल पर मसल लगा हुआ है क्रीमेस्टर मसल। अब जो क्रीमेस्टर मसल है वो मेनली यहाँ पर नहीं शो किया हुआ, ये देखें आप यहाँ पर नहीं शो किया हुआ, लेकिन ये प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर लगा हुआ होगा, इसे पर यहाँ पर शो नहीं किया हुआ क्योंकि वो जो है वो थोड़ा जो है ना बिल्कुल एंटीरियर बॉर्डर पे लगा हुआ होता है एज अ पॉइंट, तो नज़र नहीं आया। लेकिन इसकी मैं थोड़ी इंपॉर्टेंस बता दूँ, ये आपके आप लोग आगे जाके जब एब्डोमिन रीजन करेंगे या पेल्विक रीजन करेंगे तो पेल्विक रीजन करेंगे तो जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ठीक हो गया उसकी भी। अच्छा, एक और बात बता दूँ, इसमें सब जो सारी जो हैं वो ओरिजन्स ही हैं, सारी ओरिजन होंगी। और उसके बाद तो पहला मसल है हमारे पास क्रीमेस्टर मसल, उसके बाद हम लोग आते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल पर एक ही मसल है, उसके बाद हम लोग आते हैं प्यूबिक क्रेस्ट पहले थी कहाँ पर, प्यूबिक क्रेस्ट थी हमारे पास ट्यूबरकल के जो वो हमारे पास एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड यूँ वो ऑब्लिक सी लाइन थी, एक रिज थी जिसको हम लोग क्रेस्ट का नाम दे देते हैं इसे, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं बाय हमारी फिंगर अगर वहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो उससे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस पर हमारे पास दो मसल की अटैचमेंट होती है। प्यूबिक क्रेस्ट पर हमारे पास दो मसल की अटैचमेंट होती है, और हम लोगों को पता है जो प्यूबिक क्रेस्ट है वो मेनली लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, तो ये जो दोनों मसल होंगे ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर लेटरल हेड नहीं लेटरल साइड आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं वो मसल्स कौन से हैं जो हमारे प्यूबिक क्रेस्ट पर लगे हुए होते हैं, वो है एक रेक्टस एब्डोमिनिस और दूसरा मसल है पायरामिडेलिस। तो जो रेक्टस एब्डोमिनिस है उसकी भी रीजन है और जो पायरामिडेलिस है उसकी भी रीजन है। अब हम लोग इनको देख लेते हैं कि ये ओरिजिन कहाँ से और कैसे ले रहे हैं। ये आप देख रहे हैं रेक्टस एब्डोमिनिस और ये हमारे पास आ गया पायरामिडेलिस, और ये कहाँ से ओरिजिन ले रहे हैं दोनों, ये ले रहे हैं यहाँ पर हमारी जो आ रही थी प्यूबिक ट्यूबरकल के बाद, तो कौन सी हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट से हमारे यहाँ पर ये ओरिजिन ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। एंटीरियर सरफेस अगर आप लोगों को याद हो हमारे पास प्यूबिस के दो हमारे पास रेमस थे और सुपीरियर एंड इन्फीरियर, बिटवीन देम देयर वाज एन बॉडी ऑफ द प्यूबिस और उस बॉडी के हमारे पास तीन सरफेसेस थे। तो अब उन सरफेसेस में जो हमारे पास एंटीरियर सरफेस है उस पर कौन कौन से मसल लगे हुए हैं, उस पर हमारा मसल लगा हुआ है एबडक्टर लॉन्गस मसल लगा हुआ है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसकी एग्जैक्ट प्लेस क्या है, वो प्लेस है एंगल बिटवीन क्रेस्ट एंड सिम्फाइसिस। हम लोगों ने जो क्रेस्ट है वो हम लोगों ने पढ़ लिया कहाँ पर, क्रेस्ट जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया ट्यूबरकल के बाद हमारे पास वो हमारा इलियक क्रेस्ट होता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं सिम्फाइसिस वो प्लेस है मेनली जहाँ पर हमारी दो प्यूबिस अपोजिट प्यूबिस बोन्स आपस में मिलती हैं, तो उस ज्वाइंट को हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, तो उनकी एंगल के बिटवीन में ये ओरिजिन लेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और मसल है ग्रेसिलिस मसल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो सिम्फाइसिस एंड इन्फीरियर रेमस, सिम्फाइसिस से स्टार्ट होगा और मेनली कहाँ तक जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस से स्टार्ट होगा और इन्फीरियर रेमस तक, इन्फीरियर रेमस हमारा जो है वो ब्लो होगा और इन्फीरियर रेमस जो है वो जाके हमारा ईस्टियल रेमस के साथ जाके मिलेगा,
और वहाँ पर जो है हमारा ईशियो प्यूबिक रेमाई बनेगा। ठीक है, हो गया। तो हम लोग अभी इसको इनकी इन दोनों के पहले पोजीशन देखते हैं। अब आप देखें हमारे पास ये आ गया हमारे पास। हम लोगों ने किसकी बात की थी अभी मेनली, हम लोगों ने बात की थी एब्डक्टर लॉन्गस की, जो प्रेजेंट है बिटवीन एंगल ऑफ सिम्फाइसिस एंड हमारे पास क्रेस्ट। अब ये हमारे पास आ गया क्रेस्ट और यहाँ पर आ गई हमारी सिम्फाइसिस। इन दोनों की एंगल के बीच में ये देखें, ये यूं है ना हमारी सिम्फाइसिस, मतलब यहाँ पर होगी। तो ये जो उसकी एंगल के दरमियान आ रहा है मेनली, वो हमारा जो मसल है उसको हम लोग कहते हैं एब्डक्टर लॉन्गस। और एब्डक्टर लॉन्गस है तो एब्डक्टर ब्रेविस भी होगा, वो हम लोग पढ़ते हैं अभी इन दो मसल्स के बाद। उसके बाद हम लोग कहते हैं ग्रेसिलिस मसल। अब हमारे पास जो ग्रेसिलिस मसल प्रेजेंट होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, हम लोगों ने जैसे पढ़ा, वो प्रेजेंट होगा हमारे पास सिम्फाइसल सरफेस से लेकर इन्फीरियर रेमस। ये आ गया हमारा इन्फीरियर रेमस किसका, ये बॉडी आ गई, ये सुपीरियर रेमस आ गया, ये इन्फीरियर रेमस आ गया किसका, हमारी प्यूबिस का। तो ये वहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखें ये इलॉन्गेट मतलब यहाँ से इनलार्ज हो रहा है यहाँ तक। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं, उसके बाद हमारा जो मसल आता है वो है एब्डक्टर ब्रेविस। एब्डक्टर ब्रेविस जो है वो हमारा ओरिजिन ले रहा है लेटरल टू ग्रेसिलिस मसल। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, ये कहाँ से ले रहा है, मार्जिन ऑफ ऑब्टुरेटर फोरामेन। अब हम लोग इन दोनों मसल्स को देख लेते हैं। अब ये देखें आप, यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है एब्डक्टर ब्रेविस की। अब और ये हमारे पास ये जो है ये वाला नीचे की बात जो थी उससे ये लेटरली प्रेजेंट होगा। ये हमारा जो हमारे पास ग्रेसिलिस मसल था जो कि हमारी सिम्फाइसिस और इन्फीरियर रेमाई पर था, उससे ये जो हमारा एब्डक्टर ब्रेविस होगा ये उससे लेटरली प्रेजेंट होगा। आपको पता है ये थोड़ी राउंडेड शेप, मतलब ये जो थोड़ा ये राउंडेड में होता है, और जो हम यहाँ पर फिगर में तो ऐसा नहीं शो हुआ हुआ, लेकिन ये थोड़ा राउंडेड होता है, तो ग्रेसिलिस मसल जो है थोड़ा इन्फीरियरली लगा हुआ क्योंकि वैसे इन्फीरियर रेमस पर है। तो ये जो आप लोगों को पता है, और ये हम लोग देख सारी लेटरल साइड रहे हैं, तो जब ये बाहर वाली साइड थोड़ा ज्यादा को आ जाएगा तो वो थोड़ा हमारा मीडियल साइड पे चले जाएगा और ये हमारा थोड़ा लेटरल साइड पे आ जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं एब्डक्टर ब्रेविस जो है वो लेटरल है किसके, ग्रेसिलिस मसल के। उसके बाद हम लोगों ने एक और मसल पढ़ा है ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस। ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन की मार्जिन पर। इसको एक्सटर्नस का नाम क्यों दिया गया, अब हम थोड़ी देर बाद हम लोग ऑब्टुरेटर इंटर्नस भी पढ़ेंगे। ऑब्टुरेटर इंटर्नस इसको इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये एक्सटर्नल सरफेस पर है, लेटरल सरफेस पर है, आउटर सरफेस पर है, इसीलिए इसको ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस नाम दिया गया। ऐसे करके आप इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ तक मार्जिन ऑफ ऑब्टुरेटर ये हमारा कंप्लीट हो गया, तीनों की ओरिजिन ही थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस। हम लोगों ने जो है वो एंटीरियर सरफेस देख ली, अब हम लोग पोस्टीरियर सरफेस देखेंगे। पोस्टीरियर सरफेस ही किसे कह रहे हैं, पोस्टीरियर सरफेस हम लोगों ने पेल्विक सरफेस को ही नाम दिया है दूसरा। तो पेल्विक सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस हम लोगों को मीडियल साइड पे नजर आएगी, ये हमारी पेल्विक सरफेस। इस पर जो है वो दो मसल्स की बात कर रहे हैं, एक मसल की बात कर रहे हैं वो लिवेटर एनाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा प्यूबिस बोन है ना, ये वाली प्यूबिस बोन है। तो इस पर इसकी जो बात हो रही है, क्या बात हो रही है कि इस एक हमारे पास एक मसल अटैच होगा यहाँ पर लिवेटर एनाई, जिसके एंटीरियर फाइबर्स यहाँ पर होंगे, बाकी पोस्टीरियर फाइबर्स जो हैं वो हम लोग अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो ये हम लोग मतलब वो हम लोग ईशियम पर पढ़ेंगे जो लिवेटर एनाई के पोस्टीरियर फाइबर्स हैं। तो जो इसके लिवेटर एनाई के एंटीरियर फाइबर्स हैं वो यहाँ पर किस पर प्रेजेंट है, पेल्विक सरफेस ऑफ दी हमारे पास प्यूबिस। उसके बाद एक और मसल है हम लोगों को दिख रहा है ऑब्टुरेटर इंटर्नस, ये देखें, ये वैसे तो ये हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे ऑब्टुरेटर इंटर्नस, हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे ईशियम में भी, लेकिन देखें इसका पार्ट जो है वो हमारे प्यूबिस बोन में भी आ रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑब्टुरेटर इंटर्नस हमारे प्यूबिक बोन में भी आ रहा है। उसके बाद हम लोग कहते हैं इंटर्नस क्यों कह रहे हैं, मीडियल साइड पर है, इनर साइड पर है, इसीलिए इंटर्नस कह रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखें कि यहाँ पर एक और मसल आ रहा, अभी हम लोगों के ये जो पोस्टीरियर सरफेस के थे ये मसल भी हमारे कवर हो गए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक और मसल है जिसको हम लोग कहते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है,
पेक्टिनियल सरफेस और पेक्टिनियल लाइन। अब ये पेक्टिनियल लाइन और पेक्टिनियल सरफेस आप लोगों को याद होगा, सुपीरियर रेमस का हम लोगों ने सुपीरियर बॉर्डर को पेक्टिनियल लाइन कहा था और उसकी जो हमारी सरफेस थी सुपीरियर उसको हम लोगों ने पेक्टिनियल सरफेस कहा था। तो अभी उसकी तीन सरफेसेस थी हमारी, पेक्टिनियल सरफेस, एंटीरियर एंड इंफीरियर। तो हम लोग उसकी पेक्टिनियल सरफेस और वो जो थी यहाँ पर थी, ये पेक्टिनियल लाइन यहाँ पर थी और ये ट्राइंगल यहाँ से जो ट्राइंगुलर एरिया बन रहा था वो हम लोग कह रहे थे कि वो हमारी पेक्टिनियल सरफेस थी। दोनों पर कौन सा मसल अटैच हुआ हुआ है? पेक्टिनियस मसल अटैच हुआ हुआ है। हमारे पास जो ये मसल्स आ गए ये हम लोग किसके कहेंगे? प्यूबिस बोन के मसल्स हैं। तो अब हम लोग इनको थोड़ा जल्दी जल्दी रिव्यू कर लेते हैं एंड में। तो अभी देखें जो हमारा सबसे पहला मसल है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्यूबिक ट्यूबरकल पर, जो कि यहाँ पर नहीं दिखाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं क्रीमेस्टर मसल, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट लेगा। उसके बाद हम लोग अपना मसल पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा मसल है हमारे पास रेक्टस, एब्डोमिनस और पायरामिडस। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पायरामिडेलिस। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट पर प्रेजेंट होते हैं। प्यूबिक क्रेस्ट जो है वो प्यूबिक ट्यूबरकल से आगे हम लोग ट्रेस करते हैं। तो उस पर जो दो हमारे मसल प्रेजेंट होंगे वो कौन से हैं? रेक्टस एब्डोमिनस और दूसरा है पायरामिडेलिस। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि ये जो दोनों हैं लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सारा लेटरल साइड ही है। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि हमारा एक एब्डक्टर लॉन्गस मसल है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एंटीरियर सर्फ, ये हमारी एंटीरियर सरफेस है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा। लेकिन हम लोग कह रहे हैं ये पहले तो हम लोग ये अभी हम लोग जो मसल स्टार्ट कर ये जो मसल है एब्डक्टर लॉन्गस, ये किस एरिया का मसल है? ये हम लोगों ने पढ़ा था एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ द प्यूबिस, उस पर कर रहे हैं एब्डक्टर लॉन्गस। वो प्रेजेंट कहाँ पर है? हमारे जो प्यूबिक क्रेस्ट है और हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस की जो हमारे पास एंगल बन रही है उसके बीच में प्रेजेंट है एब्डक्टर लॉन्गस। एब्डक्टर लॉन्गस है तो एब्डक्टर ब्रेविस भी होगा, पर उसको हम लोग करते हैं अभी। तो उसके बाद हम लोग जो उसके बाद जो हम लोगों ने मसल देखा था वो हमारा था मसल ग्रेसिलिस। जो ग्रेसिलिस मसल प्रेजेंट है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से भी ओरिजिन ले रहा है टू द इंफीरियर रेमस ऑफ हमारे पास प्यूबिस का। तो ये देखें ये यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास इंफीरियरली। उसके बाद हम लोग कहते हैं लेटरल टू द एब्डक्टर ब्रेविस, लेटरल टू द ग्रेसिलिस मसल हमारे पास एक और मसल लगा हुआ होता है जिसको हम लोग कहते हैं एब्डक्टर ब्रेविस। वो एब्डक्टर ब्रेविस लगा हुआ होता है जिसको आप ये यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं एक और मसल हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, जो कि ये वाला मसल है जो कि मार्जिन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कवर कर रहा है एट द लेटरल साइड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, क्योंकि लेटरल साइड पर है, आउटर साइड पर, इसीलिए एक्सटर्नस का नाम दिया गया है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का हमारी एक पेक्टिनियल लाइन पड़ी थी और पेक्टिनियल सरफेस पड़ी थी, तो उस पर एक और मसल लगा हुआ होगा जिसको हम लोग कहते हैं पेक्टिनियस मसल। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारी पेल्विक सरफेस पर या मीडियल सरफेस पर। मीडियल ये व्यू है और हमारी हमारी पेल्विक सरफेस है ये मेनली। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारे पास यहाँ पर प्यूबिस बोन, ये यहाँ पर ऐसे लाई कर रही होगी, ये वाली जो है ये प्यूबिस बोन है। तो अब ये वाली जो प्यूबिस बोन है इस पे आपको नजर ही आ रहा होगा तीन मसल्स के पार्ट आ रहे हैं। एक पूरा मसल आ रहा है जो है लिवेटर एनाई, लेकिन उसके एंटीरियर फाइबर है, पोस्टीरियर फाइबर इसके हमारे पास ईस्टियम बोन पर मिलेंगे, और बाकी हमारे पास अ पार्ट ऑफ किसका आ रहा है? ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का आ रहा है, जो कि मार्जिन कवर कर रहा है किसकी? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की। ये देखें आप, ये जो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है ये कितना ब्रॉड है। मैंने कहा था ये हमारी जो पेल्विक सरफेस ऑफ ईलियम, ईशियम, प्यूबिस तीनों को कवर करेगा। ये देखें यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पूरा जो है ऑन द होल पेल्विक सरफेस, मतलब ये जो मतलब अ पार्ट ऑफ तीनों का जो कवर कर रहा है वो कौन कवर कर रहा है? ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस ही कर रहा है, जो कि मार्जिन भी कवर कर रहा है हमारी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की। तो होप्सो के आप लोगों को ये इतने ज़्यादा मसल नहीं है जैसे ईलियम के थे, तो कुछ मसल हैं। होप्सो के आप लोगों को समझ आई हो। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।